अभी देखिए मैं सऊदी के घर के छत के ऊपर आ गया हूँ, और छत के ऊपर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं काफी जबरदस्त है यार, पूरी देखिए एकदम गांव साइड कैसा है। देख सकते हैं कैसा कैसा घर इन लोगों का है, देख रहे हैं ना। ये देखिए ये पहाड़ी देखिए कितनी नजदीक में ला दिया, और ये बहुत दूर है, ये तकरीबन कुछ नहीं तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये पहाड़ी है। और ड्राइवर भी देखिए, जो उसका ड्राइवर था देखिए यहाँ पर मौज कर रहा है, ये देखिए देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर मेरा काम चल रहा है इलेक्ट्रिक का, तो इसके लिए जो कि मैं ऊपर आया हुआ हूँ, वरना सऊदी के घर में कहाँ आने को मिलता है जल्दी, ये लोग कहाँ आने देते हैं। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर देखिए ये पूरी बाउंड्री का हमारी पूरी ये लाइट लग रही है, जिसे अरबी में यहाँ पर मेरे दोस्तों जो बुरुम बोलते हैं, बुरुम अरबी में बुरुम बोलते हैं। ये नीचे वाला जो है ना, इसको गायदा बोलते हैं, जो होल्डर होता है। ये देखिए दिखाते हैं, ये गायदा है और इसको कूरा बोलते हैं, और इसके अंदर बल्ब लगता है। ये देखिए पूरा वायर हमारा यहाँ से आया हुआ है, ये बाद में हम ज्वाइन करेंगे। देखिए पूरा लगते हुए हमारा जा रहा है, और ऊपर भी हमारा लगा हुआ है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। ये फ्लैट के जैसे ये दो फ्लैट था ना, तो एक फ्लैट इसने बनाया हुआ, एक ये जगह इसने छोड़ दिया है क्योंकि बच्चों को खेलने उलने के लिए। हालांकि ये तो डेंजरस है, ये पूरी सीख उख निकली है, इसको बाद में वो सही कराएगा या बाद में वो फ्लैट भी बनाएगा, तो उसके ऊपर है। क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर केबल भी डाल दिया है, देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये हमारी केबल भी है। कभी अगर जो उसने एक फ्लैट और बनाया तो ये केबल उसके अंदर काम आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए नदीम भाई जो है पूरा ब्रूम लाइट जो है लगा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा लाइन से हमारा देखिए यहाँ पर लग रहा है, और ऊपर हमारा देखिए पूरा लग चुका है। तो चलिए मैं ऊपर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और जो ब्रूम होता है उसकी डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए ये ब्रूम है, देख रहे हैं ना ये। और इसमें जो हम इस जो है यूज़ करते हैं ये राउंड प्लग, जिसे फिशर भी बोलते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का राउंड प्लग है, काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी का ये है। और स्क्रू इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला बड़ा वाला देख रहे हैं, स्टार स्क्रू है और बड़ी साइज में है, ताकि अगर जो कितनी भी हवा चले तो ये हमारा जो है स्क्रू निकले नहीं, लाइट हमारी गिरे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हवा काफ़ी चलती है ना, तो लाइट गिरने का डर रहता है। और ये दरवाजे की डिज़ाइन देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लैट है, ये बाद में करवाएगा, अभी टाइल्स वगैरह ये सब लगी भी नहीं है। तो टेरिस पे मैं ले चल करके आप लोगों को दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिए। और ये लिफ्ट का रूम है, इसके अंदर उसकी पूरी जो मशीन होती है वो बैठेगी। तो ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरी बाउंड्री हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर पूरी लाइट देख सकते हैं आप लोग। तो ये लाइट ये देखिए मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ, ये लाइट देख लीजिए। तो ये लाइट हमारी पूरी लगी हुई है, जिसे अरबी में हम लोग बुरुम कहते हैं। और पूरी देखिए यहाँ की आबादियाँ काफ़ी ज़बरदस्त है यार, देख सकते हैं आप लोग। तो देख रहे ना मेरे दोस्तों, पूरी लग चुकी है। और यहाँ पर देखिए ऊपर ये टाकी लगी हुई है, और टाकी में हमारा अवामा जो ऑटोमेटिक जो मतलब ऑटो कट जो स्विच होती है, जिसे अरबी में अवामा कहते हैं, वो यहाँ पर लगेगा। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा, इसे अरबी में मेरे दोस्तों बाउंड्री वाउंड्री नहीं बोलते हैं, यहाँ पर इसको सुतरा बोलते हैं। ये सुतरा होता है, और जो नीचे वाली बाउंड्री होती है ग्राउंड फ्लोर की, उसे अरबी में हाउस कहते हैं। और कुछ लोग समझते हैं मेरे भाई कि सऊदी अरब में काम करना बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो आसान भी है, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आसान एकदम से नहीं है। अगर जो आपको लैंग्वेज पता है और यहाँ का काम लैंग्वेज पता है और यहाँ का काम का तरीका पता है ना, तब तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर लैंग्वेज नहीं पता है और यहाँ का तरीका नहीं पता है ना, तो मेरे दोस्तों फिर आप जो है कि एक हेल्पर के बराबर है। ये मत समझिए कि यार इससे अच्छा इंडिया में काम होता है, होता है बेशक इंडिया में इससे अच्छा काम होता है, यहाँ पर भी एक से एक काम होता है, लेकिन वहाँ के काम में यहाँ के काम में मेरे दोस्तों कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है तरीका और सिस्टम, बाकी हर एक चीज सेम टू सेम होती है। तरीका और सिस्टम जो पता होता है, तो कभी भी मत ये सोचिए कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा कारीगर हूँ तो मुझे दिहाड़ी कम मिल रही है या तनख्वाह कम मिल रही है। इस चीज पे कभी भी फोकस मत करिए,
फोकस ये करिए कि अभी इस वक्त आप सऊदी अरबिया में हैं, तो सऊदी अरबिया में काम कैसे होता है पहले वो चीज़ समझने की कोशिश करिए, यहाँ का सिस्टम समझिए, उसके बाद फिर जो है कि तनख्वाह के बारे में सोचिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। पहले यहाँ के बारे ये मत सोचिए कि यार वहाँ पे मैं कारीगर था, यहाँ पे हेल्पर ही कर रहा हूँ। भाई मैं भी आज जो है ना, आज ये सब मैं काम अपना खुद का पकड़ कर कर रहा हूँ। ये मुझे इंडिया से आते ही डायरेक्टली ये सब काम नहीं मिलने लगा मेरे दोस्तों। बहुत ही मेहनत यहाँ पर किया, बहुत ही मतलब जो है तकलीफ यहाँ पर उठाया, तब आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहा हूँ और जो है कि लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, दो पैसा वो भी कमा रहे हैं, दो पैसे मैं भी कमा रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे दोस्तों मेहनत होती है, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब में आते ही आप अपना काम करना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी मेहनत होती है, परेशानी होती है, तो कम्प्रोमाइज करना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो ये बाउंड्री का काम था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो बहरहाल चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।